कल हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था, कल हम लोगों ने छोड़ा था आप लोगों के सामने इसको, लेक्चर को यहाँ से। हम लोगों ने कहा था कि एंजाइम की जो सिंथेसिस की साइट है वो क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के पास यहाँ पे आपके सामने ना स्क्रीन पे बेटा एंजाइम की काइंड बताएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी जगह पे ये एक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर वी हैव डिवाइडेड एंजाइम इनटू टू टाइप, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। इंट्रासेलुलर एज द नेम इंडिकेट, ये वो एंजाइम है जो कि आपके सेल के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सेल खुद इसको इस्तेमाल करता है फॉर देयर फंक्शन, ठीक है। अब ये एंजाइम कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल आपको देता है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ज्यादातर जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आपने आगे पढ़ना है, एंजाइम की वो क्लास है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मोस्टली करती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मोस्टली आपके सामने कैटेलाइज करती है, ठीक है। तो अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या होते हैं, देखिए एंजाइम के बनने की जगह वही है आपके राइबोसोम है जो प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन साइट ऑफ एक्शन का फर्क है, ठीक है। अब ये बनते सेल के अंदर है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, लेकिन ये अपना फंक्शन जो है आउटसाइड द सेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे हैव टू एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर टास्क, ठीक। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है मोस्ट कॉमन, आपका पैनक्रियाज जो है एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो एक्सोक्राइन के अंदर इनके डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं विच आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल बट दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स टास्क। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की जो है बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है उसके अंदर आता है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के पास देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। हम एंजाइम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम एंजाइम को इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। एंड हाउ डू वी डू दैट, इन ऑर्डर टू स्पीड अप आवर केमिकल रिएक्शन वी हैव टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, आगे वैसे पढ़ना भी है, बट एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई रिक्वायर इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि अपने रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकें। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपके द प्रेजेंट आपके जो प्रोडक्ट बनना है उसकी नेचर को, या जो सा प्रोडक्ट बनना है उसकी नेचर को आपका एंजाइम जो है कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम आपके सामने रहता है, आपके एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर भी वो होगा और एंजाइम की एब्सेंस के अंदर भी वही होगा, लेकिन ये है कि आपकी एंजाइम अगर हम यूज करेंगे तो रिएक्शन स्पीड ऑफ द रिएक्शन वुड बी वेरी मच फास्टर एज कम्पेयर टू अनकैटेलाइज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि एंजाइम जो होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक। आपको मैं कल भी ये बात बताई थी कि वी हैव पर्टिकुलर एंजाइम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ये नहीं हो सकता मैं कोई भी एंजाइम लूँ किसी और रिएक्शन के अंदर डाल दूँ और मैं कहूँ ये भाई स्पीड अप कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल। दे आर सर्टन एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, ठीक, टेम्परेचर के ऊपर, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर। ये किस ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके जो एंजाइम की एक्टिविटी है ना वो डिपेंड करती है। टर्न ओवर पॉइंट क्या है या टर्न ओवर नंबर क्या है, इट इज इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू के अंदर भी आ जाता है टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ सब्सट्रेट जो हैं एक एंजाइम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर पर मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट पर मिनट द नंबर ऑफ सब्सट्रेट दैट आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज टर्न ओवर नंबर, ठीक। तो ये टर्न ओवर नंबर 1 मिनट के हिसाब से जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ सब्सट्रेट वो आपका आ जाता है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के पास नोमेनक्लेचर पे एंजाइम है, अगर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर देखें ना तो हर चीज का वो आपको बताता है कि भाई हाउ डू वी नेम दम, ठीक है। एक कंपाउंड आ गया, उसने पहले आपको बताया कि भाई देयर आर सर्टेन मेथड जिसके थ्रू हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक एंजाइम आता है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने नाम देना है, तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स और सर्टेन रूल्स इन ऑर्डर टू नेम एन एंजाइम, एंड व्हाट आर दे। सबसे पहले तो वो कहता है कि हम लोगों ने क्या किया है, सम एंजाइम जो है वो सिस्टमेटिक वे के अंदर उनका नाम रखा हुआ है, जिस तरह
जैसे जैसे वो डिराइव मतलब वो होते गए आपके सामने, जैसे जैसे उनको जो है ना वो डिस्कवर किया जाता रहा, वैसे वैसे आपके सामने उसका नाम दिया जाता रहा। जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन एंड रेनिन है। पेप्सिन आपका वो एंजाइम दैट इज बीइंग यूज्ड इन स्टमक, ठीक है, तो उसकी पेप्टिक से या आपके स्टमक से रिलेटेड उसका नाम पेप्सिन कर दिया गया। फिर ट्रिप्सिन है, इट इज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। रेनिन प्रोटीन है एक, ठीक है, ये आपके जो है ना इंसान के स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होती है बाय द डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, वो प्रोटीन है, तो ये भी एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अब ये सारे आपके सिस्टमेटिक वे के अंदर रखेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने हमेशा क्या करना है, हमेशा जो भी एंजाइम होगा ना उसके एंड के ऊपर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज कंपल्सरी दैट वी शुड एड एज, ASE, एज एट द एंड ऑफ द एंजाइम नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसकी, एक शुगर की, ठीक है, एंड दैट शुगर इज अ डायसेक्राइड, एंड हम उसको क्या कर रहे हैं वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो द एंजाइम टेक इट्स नेम फ्रॉम इट्स जो है ना रिएक्टेंट से ही या सब्सट्रेट से ही अपना नाम ले रहा है बाय चेंजिंग द एंड थ्री लेटर एंड रिप्लेसिंग इट विद एज, ठीक है। तो माल्टेज इज द एंजाइम दैट कैटालाइज द रिएक्शन फॉर कन्वर्टिंग माल्टोज प्लस वाटर इंटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है जी, दो ग्लूकोज के प्रोडक्ट आते हैं। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोमेनक्लेचर। अच्छा जी, इस तरह आपके पास से कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि लैक्टेज अलेक्टोज शुगर है, ठीक है, उसके लिए एंजाइम जो हम यूज करते हैं वो लैक्टेज इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करता है इलेक्ट्रोज की ब्रेक डाउन कर देता है इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है जी। अच्छा माल्टोज है, ये भी ब्रेक डाउन करता है किसकी, माल्टोज जो है वो उसकी ब्रेक डाउन कौन करता है, माल्टेज करता है, और इसकी ब्रेक डाउन करके आपको ग्लूकोज के यूनिट दे देता है। एंड देयर आर अदर जो है ना एग्जाम्पल, जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर प्रोटीएज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो स्मॉलर यूनिट में प्रोटीन को उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। स्टार्च है, इसके ऊपर एमाइलेज एक्ट करता है, ठीक है। स्टार्च के आपको पता है दो टाइप्स है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, तो उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग अमाइलेज एक्ट करता है और उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लिपिड जिस तरह है उसके ऊपर लाइपेज एक्ट करता है और उसको अपने जो सब यूनिट है दैट इज ग्लिसरॉल और फैटी एसिड उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा अब आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि हमने क्या किया, क्लासिफाई एंजाइम इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर कैटालाइजिंग, हमने इनको क्लासिफाई कर दिया इंटू बेसिक क्लासेस और फिर सब क्लासेस भी हैं कुछ यहाँ, लेकिन आपकी जो मेजर क्लासेस है एंजाइम की वो कितनी है, सिक्स है, ठीक है। तो आपके सामने जो क्लासिफिकेशन है वो डेवलप की गई है, कौन सी कमीशन ने क्लासिफाई आपको क्लासिफिकेशन दी थी, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन थी जिसने जो है ना एंजाइम की क्लासिफिकेशन दी, और ये जो है इसको सिक्स क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सिक्स जो है ना सब सिक्स मेजर क्लासेस हैं, उसके बाद इसको सब क्लासेस के अंदर और सब सब क्लासेस के अंदर भी किया गया है, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक क्लासेस आती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, एज द नेम इंडिकेट ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन आपको केमिस्ट्री की वही टर्म है, ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ इट, ठीक। तो ये आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो असल में क्या करता है, पाइरूवेट को लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट करवाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो एनएडीएच की मौजूदगी के अंदर हो रही होती है वो होती है, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्लास है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें ट्रांसफरेज, एज द नेम इंडिकेट ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा केमिकल ग्रुप को, ठीक है। अब वो केमिकल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, आइदर इट विल बी अ फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट हो सकता है। जिसमें हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है हेक्सोकाइनेज की, और हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में हमेशा ये ग्लाइकोलाइसिस, पहले भी डिस्कस हुआ था, ये ग्लाइकोलाइसिस का एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि आपका जो है ना ट्रांसफर होता है फॉस्फेट ग्रुप का, हाइड्रोलेज, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट ये क्या करता है, ये वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की मौजूदगी में क्या करेगा, ग्लाइसिस करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगा सर्टन मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो द एज द नेम इंडिकेट दे आर हाइड्रोलेजेस दैट क्लीव जो है ना बॉन्ड क्लीवेज करती हैं, ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अच्छा इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है लाइसोजाइम की. लाइसोजाइम आर द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन आर ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट इन आर सेल दैट इज नोन एज लाइसोसोम्स. ठीक है, और ये जो है ना बिगर कॉम्पोनेंट को स्मॉलर कॉम्पोनेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वेरी फेमस है. ठीक है जी, लाइएसिस. ठीक है, ये लाइएसिस क्या करते हैं, लाइएसिस का वर्ड भी लाइसिस से निकला है. ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्लीवेज तो करेगा लेकिन नॉन हाइड्रोलिटिक होगा, यानी वाटर के प्रेजेंस के लिए जरूरी नहीं है. ठीक, अच्छा वाटर के प्रेजेंस जरूरी नहीं है. अगेन ये लाइसिस परफॉर्म कर रहा है, क्लीवेज कर रहा है. ठीक है जी, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूमरेज. फ्यूमरेज कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्यूमरेज इस्तेमाल होता है जब 16 से फ्यूमरेज बन रहा है. ठीक है, उसके अंदर फ्यूमरेज इस्तेमाल होता है. इट इज वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ पीसीएस साइकिल. ठीक है जी, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आइसोमरेजेस. ठीक है, एज द नेम इंडिकेट ये क्या करेंगे, आइसोमर्स बनाएंगे. एंड वाटर आइसोमर्स वो कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा. जिस तरह आपके सामने एग्जाम्पल उन्होंने लिखी है ट्राइवोस फॉस्फेट आइसोमरेज. ट्राइवोस फॉस्फेट आइसोमरेज जो है ये आपका अगेन ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है. ठीक है, डीएचएपी को कन्वर्ट करवाता है जी3पी के अंदर, जी3पी दोबारा ये दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर्स हैं, इंटर कन्वर्टेबल है. ठीक है, तो ये उसके अंदर परफॉर्म वो जो है ना हेल्प करता है आपको. लाइगेजेस, नेक्स्ट वन इज लाइगेजेस. तो लाइगेजेस का क्या कहता है, लाइगेजेस आपके सामने जो है ना क्या करते हैं, आपके न्यू बॉन्ड सिंथेसिस करते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं. और जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना तो क्या होता है कि बिगर जो है ना स्ट्रक्चर या बिगर मॉलिक्यूल बनता है. अगेन यहाँ पे एक पॉइंट, जब कभी लाइसिस होती है आपके पास रिएक्शन दो तरह के होता है. मेटाबोलिज्म अगर आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, सबने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि मेटाबोलिज्म इज ऑफ टू काइंड. ठीक है, क्लासिफाई हमने किया हुआ है इस तरह से, एक आप हम कहते हैं भाई एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन. जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, बिगर मॉलिक्यूल इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. और जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूटता है इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. लेकिन दूसरे क्या है, दूसरे एनाबॉलिक रिएक्शन. एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास जो है ना स्मॉलर मॉलिक्यूल दे कंबाइन टू गिव राइज टू अ बिगर मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको एनाबोलिज्म कहते हैं. और जब एनाबोलिज्म होता है ना वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, तो एटीपी हाइड्रोलाइज करता है और एटीपी हाइड्रोलाइज करके एनर्जी देता है जो कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेसेस. ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम दैट इज बीइंग यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल. यहाँ तक किसी को बच्चे को कोई इश्यू है तो काइंडली पूछ लें. आवाज मेरी क्लियर आ रही है तो मुझे ये भी बता दें बेटे, किसी को कोई इशू है? बेटा जी किसी को कोई इशू है तो पूछ लें, नहीं इशू है तब भी मुझे बता दें कि मेरी आवाज आ रही है. यस मैम, सही आ रही है आवाज. हेलो हेलो यस मैम, आ रही हेलो, है आवाज. बच्चे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच. बेटा काइंडली इतना इन्फॉर्म कर दिया करें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, मैंने आपसे क्या पूछ लेना मजीद. अच्छा खैर, अच्छा किसी को कोई इशू है बच्चे तो फिर भी बता दें, अगर किसी को कोई स्पीड के ऊपर इशू है तो वो भी मुझे बता दें कि मैम नहीं हम लोग आप तेज बोल रही हैं क्या है तो बता दें. ठीक है, आपका ही फायदा है इसमें. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. के वो मैकेनिज्म जिसके अंदर एंजाइम जो है वो अपने एक्शन परफॉर्म करता है या एंजाइम काम करता है, वो किस तरह काम करता है ये हम लोगों ने देखा. ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, कहता है आपको पता है कि
हम लोग अगर एंजाइम का एक्शन देखें ना, तो इसके दो प्रोस्पेक्टिव हम देख सकते हैं, ठीक है। एंजाइम की कोई भी एफिशिएंसी है या एंजाइम किस तरह अपना काम परफॉर्म करता है, कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको दो लिहाज से हम डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक चेंज एंड द सेकेंड वन इज प्रोसेस एट द एक्सिस साइट। अच्छा, अब पहला जो है ना हमारे पास है थर्मोडायनेमिक चेंज। थर्मोडायनेमिक चेंज एज द नेम इंडिकेट, ये क्या होता है? ये होता है कि आपके सामने कौन सा एनर्जी चेंज आ रहा है अपने केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब एंजाइम आ जाएगा, व्हाट इज इट गोइंग टू डू विद द चेंज इन एनर्जी, हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट विद द चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंज को किस तरह से ये इफेक्ट करेगा, ये आपके पास थर्मोडायनेमिक इफेक्ट आएगा। अच्छा, नाउ वी हैव अ ग्राफ ओवर हियर जिसके अंदर वो आपको क्या बता रहा है, कहता है ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, जिसके ऊपर वो फ्री एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, एंड वी हैव प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन आवर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये वो एनर्जी है जिसके ऊपर आपके रिएक्टेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। वी कैन क्लियरली इंडिकेट फ्रॉम द ग्राफ दैट द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट आर वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एंजाइम जब कभी सब्सट्रेट के साथ मिलता है तो ये क्या करता है, ये आपके सामने हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है जी, जिसको हम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और द एनर्जी लेवल ऑफ एन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज वेरी मच मोर एज कम्पेयर टू बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल इन द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। लेकिन द पर्पल लाइन और पिंक लाइन ओवर हियर इज शोइंग द ट्रांजिशन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी लेवल है ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम उसको शो कर रही है। तो अब ये क्या करता है, ये करता है ये है एंजाइम के ट्रांजिशन स्टेट जो है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमने इन डिटेल आगे डिस्कस करना है, ठीक है, लेकिन आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है जो कि एक सॉर्ट ऑफ बैरियर है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम एंजाइम की मदद से इसको क्या कर दें, लोअर डाउन कर दें, तो एक्टिवेशनल बैरियर को हम बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस और थर्मोडायनामिक डिफरेंस बिटवीन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एंड कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अब देखो आपको क्या कहता है कि देखें आपको एक केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए ना वी डू रिक्वायर सर्टन टाइप ऑफ या सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे नहीं होता कि हम कहें कि भाई मैंने एनर्जी देनी भी नहीं है और ये रिएक्शन हो भी जाए। आपको पता है रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि आपके पास अगर कोई सर्टन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कभी एक्टिवेशन बैरियर नहीं क्रॉस कर पाते, ठीक है, और प्रोडक्ट में नहीं चेंज होते, ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि आपका अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है ना वो बहुत स्लो होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम करते हैं ये है कि वो अल्टरनेटिव पाथवे आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट की, और एंजाइम बड़ी आसानी से जो है ना मैनी फोर 10^3 to 10^10 फोर टाइम जो है ना इंक्रीज कर देते हैं आपके रेट ऑफ एक्शन को, ठीक है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की सेम ही रहती है और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंजाइम ने आपके दोबारा निकल कर वापस आ जाना है, तो जितना भी एनर्जी चेंज हो जाता है वो उसके अंदर कॉम्पेंसेट हो जाता है, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। कहता है कि फर्स्ट सिचुएशन वो है जिसके अंदर लैक्टोज है, लैक्टोज ने क्या करना है, ये आपका रिएक्टेंट है, इसने क्या करना है, इसने इंटरमीडिएट स्टेट बनानी है और ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है और अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये जो बम्प है ना यहाँ पे, ये क्या है आपका एनर्जी बैरियर, और एनर्जी बैरियर भी क्या कि वो एनर्जी जो आपको रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए चाहिए, और इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम हम लोगों के पास ये बैरियर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम आ जाएगा, तो ये जो बम्प है ये इतना ज्यादा स्टीप नहीं रहेगा, ये लोअर डाउन हो जाएगा, ठीक है। दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से ये जो आपका लैक्टोज है या एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है बहुत आसानी से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड डायग्राम ओवर हियर वो क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सामने लैक्टेज था, वो लैक्टोज के साथ कंबाइन किया, उसने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और ये बड़ी आसानी से लोअर बम्प आ गया, ये लेस स्टीप है ये, ठीक है, और ये आसानी से क्या करा है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द थर्मोडायनामिक चेंज दैट अकर इन अ रिएक्शन दैट इज अकरिंग विदाउट एन एंजाइम एंड इन अ रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। ओके जी, ओके।
अच्छा, अब आगे वो आपको क्या कहता है? आगे कहता है कि हम लोगों के सामने ना, अब ये तो हो गया ना आपके सामने वो रिएक्शन जो कि थर्मोडायनेमिक इफेक्ट इंसान का होता है. दूसरा ये कि आपके पास, दूसरा हम लोगों ने देखा था एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर कि एक्टिव साइट के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं. ठीक है, तो एक्टिव साइट के ऊपर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो आपको कैटालिटिक, ठीक है, इसे बेस कैटालिसिस है, यहाँ कैटालिसिस बाय प्रोक्सिमिटी है, यहाँ कैटालिसिस बाय स्ट्रेन है. ठीक है, वन बाय वन हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है. पहले आपके पास आ गया जनाब कोवेलेंट कैटालिसिस. एंजाइम क्या करता है? एंजाइम करता ये है कि आपके जो है ना सबस्ट्रेट के साथ एक ट्रांजिएंट कोवेलेंट लिंकेज बनाता है. ठीक है जी, ये आपके सामने ये सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम था, इसने क्या किया, ट्रांजिएंट स्टेट बनाई जिसके अंदर इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. ठीक है, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एंजाइम अनअल्टर्ड रहता है और प्रोडक्ट सिंथेसिस हो जाती है. ठीक है, तो ये आपके सामने कोवेलेंट सॉर्ट ऑफ कैटालिसिस है. ठीक है, जिसके अंदर आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द कैटालिटिक टास्क ऑफ कैटालिसिस. ठीक है, आपके सामने क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, दिस वन इज नोन एज कोवेलेंट कैटालिसिस. नेक्स्ट आपके सामने है एसिड बेस कैटालिसिस. ठीक है, ये असल में ज्यादातर क्या होता है, ये असल में ज्यादातर उन रिएक्शन के अंदर होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो. ये टाइप्स हैं जिसके अंदर एंजाइम जो है ना रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकता है. ठीक है, पहला हम लोगों का कोवलेंट हो गया, दूसरा हम लोग के पास एसिड बेस कैटालाइसिस हो गया. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा. ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा तो एंजाइम दैट विल बी परफॉर्मिंग द टास्क इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम. अब इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है एंजाइम द प्रोटीन इन नेचर. अगर एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है तो क्या होगा, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड से. ठीक है, तो अमाइनो एसिड से जो है ना क्या, अगर वो बन के मिलकर बनी हुई है ना तो वो क्या करते हैं, आपके सामने कहते हैं ज्यादातर जो एक्टिव साइट है उसके अंदर हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है. हिस्टिडीन इज अगेन अ बेसिक अमाइनो एसिड. ठीक है, यहाँ अमाइनो एसिड है आपके सामने एक. ठीक, अगर ये अमाइनो एसिड है तो ये आपके एक्टिव साइट के ऊपर मौजूद है. अगर ये एक्टिव साइट के ऊपर मौजूद है तो ये क्या करता है, ये करता ये है कि ये आपके सामने जो हाइड्रोजन है ना उसकी ट्रांसफर एक, मतलब हाइड्रोजन के प्रोटॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर के भी तौर पे जो है ना अपना टास्क परफॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन इट इज बीइंग दैट इज बीइंग कैटलाइज. ठीक है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेगा, प्रोटॉन डोनेट भी कर देगा और इस तरह से अपना रिएक्शन जो है ना परफॉर्म करेगा. ठीक है, अच्छा आगे आपके सामने क्या है, आगे आप लोगों के सामने जो है ना मॉडल दिए हुए हैं. और मॉडल क्या है आपका, आपको पता है फर्स्ट ये बहुत फेमस है लॉक एंड की मॉडल, ये कल भी हम डिस्कस कर रहे थे. लॉक एंड की मॉडल 1894 के अंदर दिया गया था बाय मिल फिशर. और इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जिस तरह हर एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंजाइम की एक जो है ना हर एंजाइम की एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है. ठीक है, जो कि अनचेंज है, वो रिजिड स्ट्रक्चर है, इट कैन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इट. ठीक है जी, तो ये आपका लॉग इन की मॉडल था कि एंजाइम की शेप जो है वो एक पर्टिकुलर रिजिड स्ट्रक्चर है और एक्टिवेशन साइट की जो वो है ना शेप है, वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक, अच्छा जी, एक और मॉडल भी था. ठीक है, और वो मॉडल था जनाब इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो डैनियल कोस्टलैंड ने दिया था 1958 के अंदर. और उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास जब कभी एंजाइम का एक्सपोजर होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ, तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट. ठीक है जी, तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल था जिसने जिसके अंदर वो एग्जाम्पल यहाँ पे सारा, यहाँ पे सर्कुलर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट थी, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आया एंजाइम ने क्या किया, अपनी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर लिया और फिर उसको क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया. तो दिस वन इज योर इंड्यूस्ड फिट मॉडल. अच्छा जी, ये एक्टिव साइट है. इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है ये आकर यहाँ पे अटैच होगा. ठीक है जी, और ये यहाँ पे शेप की या स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आ सकता है, इट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. अच्छा जी, अगली आप लोगों के पास आ जाती है एंजाइम काइनेटिक्स. एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या है, एंजाइम काइनेटिक्स है जनाब आपकी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को स्टडी करते हैं. ठीक है, कि अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन के अंदर एंजाइम मौजूद है तो वो उसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, वे एक्चुअली स्टडी जो वेलोसिटी है एक रिएक्शन की उसको स्टडी करते हैं कहते. ठीक है, काइनेटिक्स असल में क्या होता है, काइनेटिक्स होता है कि जितने नंबर हैं, जितने ऑर्डर ऑफ स्टेप्स हैं जिसके अंदर एंजाइम सब्सट्रेट के एंजाइम जो है ना
पर्टिकुलर सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और कितनी स्पीड के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको स्टडी कर लेते हैं एंजाइम काइनेटिक्स, तो हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारी बड़ी आसानी हो जाती है कि भाई कौन सा रिएक्शन जो है उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ठीक है, और वो कितनी स्पीड के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम लोगों ने कोई ड्रग जो है ना किसी बंदे को देना है, हम कोई दवाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये दवाई जाकर कौन से वाले रिएक्शन को स्पीड अप कर देगी, कौन से वाले रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकती है, ठीक है। तो एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट करेगी या इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर सकती है। एगोनिस्ट का मतलब है वही वाले जो है ना सबस्ट्रेट के साथ जाकर लगेगी या वही सेम टास्क परफॉर्म करेगी, ठीक है, और इनहिबिट का मतलब है कि एंजाइम को रोक देगी, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है हम एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पे आके सामने वही बात कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। कम से कम एनर्जी जो कि एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें चाहिए होती है, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम जो है वो क्या करता है जनाब, एक कैटलिस्ट है जो सब्सट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोगों के सामने जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिड्यूस कर जाए या कम हो जाए, तो हम लोगों को एक रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू कन्वर्ट सब्सट्रेट इनटू या कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो हमारे लिए बड़ी ईजी हो जाएगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है, तो हम लोगों के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी जिसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन वही आदत है आपके सामने, ये आपका ग्राफ है जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। ये एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये आपके सामने सब्सट्रेट लेवल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और ये आपके सामने वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो हमें चाहिए, दैट इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ द सब्सट्रेट। ये एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये अनकैटालाइज रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और ये वो एनर्जी है जो एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर है। हाउ एक्चुअली एंजाइम डज इट वर्क, दे डू एंजाइम डू देयर वर्क बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो जाती है यहाँ पर। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के पास एंजाइम कैटालिसिस की क्या होता है। एंजाइम कैटालिसिस होता है कि हम लोग क्या करें, इंक्रीज है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग अगर इंक्रीज कर दें एक पर्टिकुलर एंजाइम को इस्तेमाल करके, तो वो एंजाइम कैटालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा कैटालिसिस जो है एंजाइम का, वो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, और उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो रिएक्टेंट है ना, आपका जो प्रोडक्ट है वो अनचेंज होकर दोबारा रिकवर हो जाता है सिस्टम के अंदर। और वाइल डिस्कसिंग आपके पास रेट ऑफ एंजाइम एक्शन या हाउ एंजाइम एक्शन एक्चुअली वर्क, हम लोगों ने ये भी देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। दे आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट एक्चुअली कंट्रोल द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, द सेकेंड वन इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंड द थर्ड वन इज सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई इशू है? हाँ जी, नो मैम, कोई इशू बच्चे, नहीं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो मैम, नो मैम। बेटा जी, आप लोगों को टॉपिक में अभी तक कोई इशू है तो पूछ लें। मैम, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी बच्चे, तो हम लोग फैक्टर्स को जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा देखो, टेम्परेचर का और एंजाइम का, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक इनका डायरेक्ट रिलेशन है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर तक इनका डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी डू इंक्रीजेस, बट देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिट। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसी तरीके से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू जो है ना इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो अपने पर्टिकुलर, अपने मैक्सिमम के ऊपर काम करते हैं एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज नॉन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। तो एंजाइम जो है दे कैन बियर द रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो
आपके पास वो आ जाता है, लेकिन हम लोगों के पास जो है ना जो है आपका जो बात औकात ऐसे होता है कि जो टेम्परेचर आपको गिवन अवेलेबल होते हैं इट इज नॉट ऑप्टिमम फॉर अ टेम्परेचर, अच्छा वो क्या कहते हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अब वो क्या कहते हैं कि अच्छा जी देखें, ये देखें आपके पास यहाँ पे वो शो करा कि हाउ मच एक्टिविटी जो है आपके जो है ना रिएक्शन कितना किस रेट के ऊपर हो रहा है, ठीक है, और सॉरी ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये टेम्परेचर है। अच्छा पहले लीनियरली आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन राइज कर रहा है, लीनियरली राइज करते जा रहे हैं, लेकिन देर इज अ सर्टन लिमिट ऑफ इट, ठीक, 5 से 40 तक इंक्रीज हो रहा है लीनियर, ठीक, लेकिन आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम क्या करेंगे या एंजाइम की एक्टिविटी विद फर्दर राइज ऑफ टेम्परेचर दे लोअर डाउन, यानी ये डिक्रीज डाउन कर जाती है, वजह क्या है बिकॉज एंजाइम्स अ प्रोटीन, ठीक है, एंड एंजाइम एंड प्रोटीन आर वेरी मच सेंसिटिव टू टेम्परेचर एज वेल एज पीएच, ठीक है, जिस तरह एग है, एग वाइट आपकी प्रोटीन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने डाला पैन के अंदर डाला तो वो पहले ट्रांसपेरेंट होती है एंड बट आफ्टर हीटिंग इट वो क्या हो जाती है, वो अपना वाइट कलर दे देती है, तो व्हाइट कलर एक्चुअली रिप्रेजेंट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर के ऊपर अब डीनेचर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है। अच्छा द नेक्स्ट वन इज पीएच, पीएच भी इसी हिसाब से है, ठीक है, कि आपके सामने एक पर्टिकुलर रेंज तक एंजाइम की एक्टिविटी पीएच के साथ साथ इंक्रीज करती है बट देर इज अ सर्टन लिमिट ऑफ इट, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच अगर हम बात करें फॉर लिविंग सिस्टम 5 से लेकर 9 तक है, ठीक है, हमारे ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 के दरमियान है, तो एक एंजाइम की एक रेंज है कि भाई 5 से 9 तक तो हम काम कर लेंगे अपना, बट बियॉन्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट एंजाइम कि वो अपना काम करें, ठीक है, इसी तरीके से जिस तरह एसिडोसिस हो जाता है या अल्कलोसिस हो जाता है, एंजाइम जो है पीएच डिक्रीज कर जाता है, मतलब बॉडी पीएच डिक्रीज और इंक्रीज कर जाती है ब्लड पीएच, तो इस रेंज के अंदर फिर जो है ना पीएच सर्टन लिमिट तक, पीएच के सर्टेन लिमिट तक तो एंजाइम अपना काम करता है बट बियॉन्ड दैट वो नहीं काम कर सकते, ठीक है। अच्छा अब वो क्या करता है एंजाइम जो है वो अपने मैक्सिमम किसके ऊपर काम करते हैं, ये अपना मैक्सिमम काम करते हैं एट ऑप्टिमम पीएच, एंड दिस ऑप्टिमम पीएच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम कहाँ पे अपना काम परफॉर्म करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो खैर आगे देखते हैं। अच्छा कुछ जो है वो उनकी जो है ऑप्टिमम पीएच एसिडिक में होती है, कुछ बेसिक बेसिक में होती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि ऑप्टिमम पीएच ये है एंड आफ्टर फर्दर राइज इन पीएच आफ्टर 8 वो क्या करता है जनाब उनकी एक्टिविटी डिक्रीज डाउन करने लग जाती है, ठीक। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड देयर आर 3 एंजाइम दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट वन इज पेप्सिन, ठीक है, आपके स्टमक के अंदर होता है एंड वी नो दैट द एनवायरमेंट ऑफ अवर स्टमक इज वेरी मच एसिडिक, ठीक है, तो ये अगर एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर सिक्रीट हो रहा है तो इसकी ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम पीएच इसके ऊपर मैक्सिमम काम करेगा वो क्या है जनाब पेप्सिन है, एंड मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ट्रिप्सिन, ठीक है, और ट्रिप्सिन ऑलमोस्ट नियर टू न्यूट्रल के ऊपर काम करता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट इसको ऐसी दी गई है जिसके ऊपर इसकी ऑप्टिमम उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। आर्जिनेज, आर्जिनेज इज एन एंजाइम ऑफ जो आपका यूरिया साइकिल है उसका एंजाइम है, ठीक है, तो ये जो है बेसिक पीएच के ऊपर अपना मैक्सिमम रेट काम कर रहा है, तो देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीएच फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जो है आप लोग रखें, फिर इंशाल्लाह कल जो है आगे हम लोग फॉर मूव करेंगे, इनहिबिटर एक्टिवेटर वगैरह कल इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे, बस अभी जो है ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो बच्चे तो पूछ लिया करें, खामोश होते हैं आप लोग तो फिर मुझे लगता है कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तो ठीक है, अगर कोई इश्यू हो तो फिर पूछ सकते हैं, ठीक, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों का सेम टाइम के ऊपर ना फिर दोबारा मीटिंग और क्लास अरेंज कर दी जाएगी, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आपका पूछ ले यहाँ तक। नो मैम आ गई है समझ। नहीं है क्वेश्चन, चलें ओके।